नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज़। खबर है यूपी के भदोही से। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक लॉकडाउन का निरीक्षण करने नगर में पहुंचे। बिना किसी काम के घरों से बाहर निकलने वालों का हुआ ई चालान। भदोही, प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार की रात से लॉकडाउन कर दिया गया है। इसका पालन कराने के लिए पुलिस हर चौराहे पर लगी रही। बाइक लेकर निकलने वालों का पुलिस ने ई चालान किया। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह नगर में पहुंचकर निरीक्षण किया और उनके द्वारा पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लॉकडाउन का पालन करने के लिए सुबह से ही पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रही। वैसे नगर में पूरी तरह से बंदी रही, सिर्फ मेडिकल स्टोर व खाद्य सामग्री की दुकानें खुली रही। नगर के हर चौराहे पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। कस्बा चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय, नगर के अजीमुल्ला चौराहे तथा लिपन तिरागा पर वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान बिना वजह बाइक से सड़क पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके बाइक का ई चालान किया गया। काफी संख्या में लोग बिना मास्क पहने की सड़क पर घूमते दिखाई दिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुर्माना वसूला। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह नगर में पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं वहां पर मौजूद प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय से लॉकडाउन के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर उन्होंने बताया कि नगर में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लोग खुद इसका पालन करते हुए अपने घरों में हैं। जहां घर से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। स्टार 70 न्यूज की कवरेज, ओबेदुल्ला असरी की रिपोर्ट।